रवि गौर चंद्राय राधिका वही तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदेहं श्रीगुरश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुजोत्ककिलहंससारसगणाकीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटप श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहु सकृपा जष्ठिदानेन सन्त सन्तव्यलम्बनम्। उपस्थित सभी गौर भक्तों वृंदों को सादर दंडवत। श्री गुरु चरणार श्री गुरु चरण में, वैष्णव चरण में और भक्त चरण में सश्रद्ध सादर दंडवत प्रणिपात। भागवत जी का एक श्लोक या निर्वृति स्तनुभृतां तव पाद पद्म धैनाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्नपि ना मा नाथ माभू किं तांतकासि लुलिता पततांग विमाना। श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन में मधुमथन मधुबन विहारी श्री कृष्ण को देखकर प्रेम विगलित चित्त होकर प्रभु से कुछ विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से कुछ मांग रहे हैं। अगर मांगना है तो प्रभु से ही तो मांगना चाहिए, न कि दुनिया से। दुनिया तो क्षुद्र है, वो क्या देगा? जगत संसार क्या देगा, क्या देगी, कहां से देगी, है ही नहीं। दुनिया तो क्षुद्र है, जो चीज है नहीं, जिनके पास बहुत दे सकता है वो दे सकती। ध्रुव जी आनंद मांग रहे हैं, तो आनंद तो इस संसार में है ही नहीं। श्रुति कहती है अल्पे न सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? भूमा में।
जद्वई भूमा, वह जो भूमा है वह सुख स्वरूप है और वो सुख दे सकता है। तो भगवान है भूमानंद स्वरूप। भूमा, भूमा शब्द का अर्थ है सबसे बढ़कर महान, आसमान से भी बढ़कर। कोट ब्रह्मांड से भी बढ़कर महान, अनोरणीयान महतो महीयान। मुझे आनंद दीजिए प्रभु। वो आनंद क्या है? आपका चरण कमल का ध्यान और आपकी कथा सुनने का जो आनंद, आपकी लीला कथा और आपकी भक्तों का चरित्र, आपकी कथा और आपकी भक्तों की कथा, हमें दोनों ही चाहिए। और किन के मुखार वृंद से, किन के मुख से सुनो? ना आपकी भक्तों का मुख से सुनो, भक्तों की कथा भक्तों का मुख से सुनो। ये दो आनंद। श्रीमान महाप्रभु जी नीलाचल धाम में, टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर में, गदाधर जी का मुखारवृंद से ये सब बातें सुन रहे हैं और भक्तभाव प्रेम भाव को प्रकाश कर रहे हैं। सुनिया प्रकाशे प्रभु प्रेम भाव जत, ध्रुवेर चरित्र आर प्रह्लाद चरित्र सतावृत्ति करिया प्रभु सुनेन सावहित। सत सत वार एक एक श्लोक को प्रभु ध्रुव चरित्र और प्रह्लाद चरित्र का आसादन कर रहे हैं गदाधर जी का मुखारविंद से। ये प्रसंग चल रहा था। यह कुछ विचार का विषय है, वो है ये जो शुद्ध अनुराग भगवान में, वह अनुराग है भजनानुराग। ये अनुराग ध्रुव जी को कहां से मिला? प्रिय गदाधर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ध्रुव में जो अनुराग, वो अनुराग कहां से आया? क्योंकि महाप्रभु जी अनुराग का अथाह सागर है, भजनानुराग का। ये अनुराग अनुराग से, दिल दिल से, मन मन से मिल गया। ध्रुव जी का मन और महाप्रभु जी का मन मिल गया, ध्रुव जी का अनुराग और महाप्रभु जी का अनुराग मिल गया। ये इसलिए महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रिय गदाधर बताओ तो सही, ऐसा अनुराग ध्रुव ने कहां से प्राप्त किया था? है तो 5 साल का बालक और साधन भी 5 महीना का ही था। असल में ध्रुव जी और प्रह्लाद जी का महान गुरुदेव, सद्गुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी, ये है गुरु जी की कृपा। गुरु कृपा से ही अनुराग की प्राप्ति होती है।
और भजन जीवन, उत्कंठा, तीव्र तपस्या, ये गुरु कृपा का ही फल है। इसीलिए समस्त संतजन ऋषिजन कहते गुरु कृपा ही मूलम। साधन से भी होता है। एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा तरी। समस्त विपत्ति का बा समस्त आपदा विपदा से निष्कृति पाने का एकमात्र चरम साधन है श्री गुरु कृपा, और भगवत प्राप्ति का भी अनर्थ निवृत्ति भक्ति संदर्भ में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद कहते शश अप्रतिकार नाना दुस्तय अनर्थ हानो तत्प्रसाद सिद्धौ च। गुरु कृपा ही मूलम। ये जो अपना द्वारा प्रतिकार करना असंभव सा लग रहा है, ऐसा अनर्थ इस विषय में चित्त कालुष्य और भगवत कृपा प्रसाद प्राप्ति में गुरु कृपा ही मूलम। गुरु करुणा, देवर्षि नारद जी है प्रेम का पारस पत्थर, जिन जिन से छू गया उनको प्रेम मिल गया, भागवत जी इस विषय में प्रमाण है। प्राचीन बरही जी को भी, दक्ष प्रजापति जी का 10,000 और बाद में 11,000 पुत्र नारद जी की कृपा से भजनानुरागी बन गए। भगवान का उपासना, भगवान की उपासना का कारण ध्रुव जी का है, विमाता जी का सोतेली माता जी का वाक्यवान खोरी खोटी सुनाई, जो भजन करने के लिए वे लालाई थी। किंतु राज सिंहासन व उच्च आसन लक्ष्य था, इसलिए अर्थार्थी, उच्चाकांक्षा महत्वाकांक्षा था तो थी तो महत्वाकांक्षा ही, परंतु देवर्षि नारद का दर्शन मात्र से ही गुरुजी का दर्शन हो गया, तत्काल दिल साफ बिल्कुल पवित्र हो गया और तपस्या में मधुवन में जाकर लग गए। जजो मधुवनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम, जहां साधन करने से अति जल्दबाजी से भगवान की कृपा होती है, धाम में साधन किया जाए तो कृपा जल्दी से जल्दी मिलेगी, प्रेम प्राप्ति जल्दी से जल्दी होगी, अनर्थ निवृत्ति। आप देखिए कामना वासना तो है नहीं, महत्वाकांक्षा तो कब बिदाली। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव, तुम महत्वाकांक्षा से उच्च आसन प्राप्ति की इच्छा से भजन प्रारंभ किया, तो बताओ कितना उच्च आसन तुम्हें चाहिए, तुम कितना बड़ा होना चाहता हो, तुम्हें बड़ा बना दूंगा।
बोलो कौन सा आसन चाहिए, ब्रह्मा जी का आसन कि प्रजापति का आसन, सार्वभौम पद, बोलो। हाँ प्रभु, जितना उच्च आसन तुम्हें चाहिए मैं अभी देने में प्रस्तुत हूं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपने ठीक कहा, मैं महत्वाकांक्षा लेकर उच्च आसन का लोभ से मैंने भजन प्रारंभ किया था, परंतु वो तो बीती हुई रात्रि, बीती हुई रात्रि तो प्रभु आती नहीं, वो तो गई, वो कामना तो गई थी कभी दिल में, अब तो है नहीं। आपका प्रिय भक्त श्री देवर्षि नारद जी है पारस पत्थर, और मैं था आयरन लोहा। अभी तो मेरा दिल बिल्कुल बदल गया, इस मधुबन का महल, जमुना जी का तट और गुरु जी का द्वारा दिया हुआ मंत्र, ये जप करते करते और आपका ध्यान करते करते इतना आनंद मुझे मिला, जो आप तो मुझे वापिस लौटकर संसार में घर में मम्मी के पास जाना भी असंभव सा लगता है। बोले और मैं जाऊंगा नहीं, यही मैं ठहर जाऊंगा, यही तप करता करता इस मधुवन में ही मंत्र जाप करता करता पानी पीकर घास पत्ता खाकर मैं ऐसा ही जिंदगी बिता दूंगा आपका ध्यान करते करते, और बीच बीच में गुरु जी का भी दर्शन मिल जाएगा। तो मुझे ध्यान का आनंद चाहिए, और गुरु जी की मुखारविंद से आपकी भक्तों की जो चरित्र, भक्त चरित्र, भक्तों की कथा सुनने का आनंद चाहिए, और संसार में जाकर ये जंजीर में बंध जाना, ये पिंजरा में फंस जाना, आबद्ध होना, ये मैं नहीं चाहता हूं। नहीं नहीं, मैं उच्च आसन नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुहम, काचंग विचिन्यन इव दिव्य रत्नम स्वामीन कितार्थोऽस्मि वरं न जाचे। ये है भजन का फल। तो आप बताइए, कियार चाहिवना तुमार चरण तले, तुमी जा से आवार की चाहिवे भुमंडले, आपको चाहिए और कुछ चाहना नहीं। ना मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ, ना इंद्र बनना चाहता हूँ, ना सम्राट बनना चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। या निर्वृति तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद भवत जन कथा श्रवणेन वास्यात्। ये भक्ताख्यान सुनना है, भक्त चरित्र सुनना है, भवत जन कथा, भवत कथा नहीं कहा, आपकी कथा तो कह सकते लेकिन ना, आपका भक्तों की कथा, भक्तमाल। गंगा जी जितने नीचे उतरती है उतना ही गंगा जी गंभीर और प्रशस्त होती जाती है, गंगा जी का धारा और भी गंभीर गंभीर, खाई और भी बढ़ जाता है।
अब हरिद्वार में भी गंगा जी देखिए, बंगाल में भी, नवद्वीप धाम में भी गंगा जी देखिए, कितना विशाल, कितना गंभीर, गंभीर अथाह पानी। और सागर का नजदीक देखिए कलकत्ता में, गंगा जी कितना विशाल है सागर में, जहां जाकर मिली। तो आपकी कथा से भी, आपकी भक्तों की जो कथाएं हैं, ये और भी स्वादिष्ट है, उसमें और भी ज्यादा आनंद है, इसलिए भवत जन कथा। और भक्त मुखार वृंद से हो, देवर्षि नारद जी जैसे गुरु जी का मुखार वृंद से हो, तो और भी मीठी लगेगी, आनंद ही आनंद। मैं कथा सुनना चाहता हूं, ये देखिए श्रवणांगा भक्ति, श्रवण से ही तो भजन का प्रारंभ होता है, श्रवण के बिना तो किसी भी अंग में जाना संभव नहीं, करना असंभव है। सब अंग का ही समान फल है, एक अंग साधे के हो साधे बहु अंग, निष्ठा हईले उपजय प्रेमेर तरंग। 64 अंग है, 9 अंग है, किसी भी अंग में अगर निष्ठा आ गई तो उससे ही प्रेम मिलेगा, उसी साधना से ही। निष्ठा के बिना नहीं होगा। श्रवण में भी भागवत जी का श्रवण सर्वोपरि, क्योंकि भागवत जी का श्रवण इच्छा मात्र से ही हृदय में प्रेम का संचार होता है। सद्य हृदि अवरुद्धतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः भी, कृतिभिः शुश्रूषुभिः हरि हृदि अवरुद्धते। सुना नहीं भागवत जी, सुना नहीं उन, उसने सुनने की इच्छा हुई। प्राचीन बरही जी की भगवत कथा सुनने की इच्छा हुई। भागवत जी का प्रति श्लोक, प्रति शब्द कल्पतरु का समान दाता है। भागवत जी कल्पतरु का गलित फल है, विगलित फल है, रसमय रस। भागवत जी का पाठ किसी भी वासना को लेकर अगर किया जाए तो वासना तत्काल पूरी होगी। ध्यान से सुने, भागवत जी का पाठ, भागवत जी का श्रवण किसी भी वासना को लेकर, किसी भी हेतु को लेकर अगर किया जाए तो वो वासना जरूर ही पूरी होगी। भागवत जी का पाठ करें, सुने, वांछातीत फलप्रद श्री भागवत जी। अच्छा, भवत जन कथा श्रवणेन वास्यात्, यह कथा शब्द में लीला, भगवान की लीला, भक्तों की लीला। लीला का अर्थ है खेल कूद, क्रीड़ा, मनोविनोदन, मनोरंजन, किसका, अपना एवं भक्तों का। भगवान भी मनोरंजन में फंस जाते, हम लोग मनोरंजन के में तो, मनोरंजन का चक्कर में तो हम फंस ही जाते, भगवान भी फंस जाते। तो भगवान खेला खेलते, लेकिन किस किसके साथ, भक्तों का साथ। ये खेल का नाम ही है लीला। तो खेलने के लिए तो साथी चाहिए, अकेला कोई नहीं खेल सकता है। खेल जानना भी चाहिए कौन सा खेल होगा, तभी तो जमेगा। जो ब्रह्मानंद है वह खेल नहीं है, क्योंकि वो निस्तरंग तरंगहीन महासिंधु जैसा,
वह खेल नहीं है, ब्रह्मों में खेल नहीं है, केवल ज्योति और ज्योति, प्रशांत महासागर, निर्विकार, निरंजन, निशक्ति, निर्द्वंद, वह त्रिगुण नहीं है, सृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है, केवल स्वरूप शक्ति, इसीलिए वह अकेला है नहीं, ब्रह्म स्वरूप में खेला है। कहा स्वरूप शक्ति वृत्ति का साथ, लादिनी संदिनी का साथ भगवान खेलते रहते, माता पिता, धाम, परिकर, शैया, आसन इत्यादि खेल का सामग्री है। ये विशुद्ध सत्ता का विकार है, संदिनी शक्ति का विकार है। संदिनी शक्ति और लादिनी से भगवान का खेल है। परंतु जहां ऐश्वर्य ज्ञान है, ऐश्वर्य भावना है, वह लीला में संभ्रम है, संकोच है, इसीलिए वह खेल उतना जमता नहीं। खेल तो होता है, मनोरंजन तो होता ही है, परंतु जमता नहीं, क्योंकि वे लोग जानते ये भगवान है, भगवान का साथ हम खेल रहे हैं, ये इतना विशाल है, महान है। क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान से संभ्रम और गौरव का उदय होता है, तो सर्वत्र ऐश्वर्य ज्ञान है। वैकुंठ में जाइए, वह परब्रह्म परमेश्वर भाव परिकरों में भी है, भगवान में भी है। अयोध्या में जाइए, वहां भी ऐश्वर्य है। नरलीला, वैकुंठ में नरलीला नहीं है, देवलीला है। वैकुंठ में तो वैकुंठनाथ की माता पिताजी है नहीं, है कूर्म भगवान का, वराह भगवान का, नरसिंह भगवान का, धन्वंतरी भगवान का कोई माता पिता है? हंस हयग्रीव, तो जहां माता पिता है, नराकार है, चतुर्भुज, षडभुज, अष्टभुज होने से तो नरलीला नहीं, वो तो ऐसी लीला, देवलीला। जहां द्विभुज है, नराकार है, वराह भगवान नराकार नहीं, कूर्म भगवान नराकार नहीं है, मत्स्य भगवान, मीन भगवान, हयग्रीव भगवान, हंस भगवान नराकार नहीं है, वह तो पूरा ऐश्वर्य है। परंतु राम जी में, परशुराम जी में, कपिल जी में, पृथु जी में, ऋषभ जी में नररूप है। अयोध्या में राघवेंद्र सरकार, राजेंद्र राजमणि जयति रणरंग धीरम राजीव नेत्रम, सर्वोत्तम नरलीला, नर वपु है। सो भी साकेतवासी सब जानते हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमन, जानकी वल्लभ जी परब्रह्म है, परमेश्वर है, ऐश्वर्य ज्ञान है, राज राजेश्वर है, राजेंद्र है, राजमणि, अवधीश, श्यापति, इसलिए वह भी संभ्रम संकोच है, गौरव है, क्योंकि राज राजेश्वर है ना। जनक लली महालक्ष्मी स्वरूपिणी है, दारिका में भी ऐश्वर्य ज्ञान है, जादवेंद्र है, दारकाधीश है, अनंत अथाह ऐश्वर्य है, कभी चतुर्भुज कभी द्विभुज। ये डाकर में दारकाधीश देखिए, रणछोड़ जी डाकर में,
और द्वारिका में जो द्वारिकाधीश जी है, देख चतुर्भुज है, हाथ में बांसुरी भी है। द्वारकाधीश कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज, वहां भी ऐश्वर्य जी है, गरुड़ जी है, विश्वक्षेन जी है, सुदर्शन चक्र है, कोवद की गदा है, पांचजन्य शंख है, श्रांग धनु है, गरुड़ जी का पीठ पर सवार होके भगवान कभी चलते कभी रथ पर, दारुक जी है, तो इसीलिए वहां भी ऐश्वर्य है, मथुरा में भी ऐश्वर्य है। देवकी जी और वसुदेव जी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा पाम छूना नहीं, नाना सुतो प्रकृति पुरुषेश्वरु, आप पुत्र नहीं है मेरा, आप प्रकृति एवं पुरुष का ईश्वर है, पुरुषत्वम है, पाम छीना नहीं, प्रणाम करना नहीं, नहीं तो कंसो जैसा बलशाली दैत्यों का नाश करना कोई साधारण मनुष्य बालक से संभव नहीं, नाना सुतो। तब भगवान ने क्या किया, वैष्णवी मायाम व्यतनत पुत्र स्नेहमयीम, ये है। तो इसीलिए सर्वत्र ऐश्वर्य भाव है, गौरव है, संभ्रम है, संकोच है। अर्जुन प्यारा सखा मित्र है, लेकिन जब विश्वरूप देखा तो कृतांजलि होकर गिर पड़े चरण में, मेरा अपराध हो गया, मुझे पता नहीं था आप इतना बड़ा है, आप इतने बड़े हैं प्रभो। सखेति मत्ता प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण सखे, हे कृष्णा, हे जादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयी न वापि। एक आसन में बैठा, एक साथ में, एक सज्जा में शयन किया, कितना परिहास किया, कितना अपराध हो गया ना, क्षमा कीजिए, पता नहीं था। सर्वत्र ऐश्वर्य है, एकमात्र ब्रज में ये ऐश्वर्य ज्ञान है नहीं, यह केवला प्रीति है। ऐश्वर्य देखने से भी गोवर्धन धारण में, कालिय दमन में, पुतना मक्षण में, त्रिनावर्त निधन में, अघा अघासुर वकासुर वध में, सबने देखा। गोवर्धन धारण को तो सबने देखा, कालिय दमन को, दावानल पान, इंद्र का प्रकोप से बचाना, परंतु ब्रजवासी का ये भाव नहीं आया, ये कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण नंदन नंदन है, हमारे नंदराय जी के ही लाडले लाल है। प्रिया जी वृषभानुनंदिनी कहने लगी, गिरिराज जी तुम हल्का हो जाओ रूही का बराबर, प्राणनाथ का कष्ट ना हो। और माता जी वही खीर और लोनी श्री कृष्ण का मुखार वृंद में अर्पण कर रही थी, बेटा कृष्ण थोड़ा खा लो, थोड़ा लोनी तो लो, थोड़ा लड्डू तो खा लो, थोड़ा पानी तो पी लो, अरे भैया तू छोड़ दे, जा मम्मी का पास जा। श्रीदाम जी कहा
ये कन्हैया तू छोड़ दे, मैं पकड़ करके रखो। नंदराय जी ने कहा, कन्हैया अरे कृष्णा, अरे भैया बलदाव, अरे तू तो निक ले। छोड़ कन्हैया, श्री कृष्ण कहा, पिताजी माताजी बड़े भैया जी, बड़ी माताजी गिरिराज जी कह रहे हैं, कन्हैया तूने ही तो मेरा पूजन प्रारंभ किया, तो तेरे हाथ में ही मैं रहूंगा, और कोई मुझे पकड़े तो मैं अचानक गिर जाऊंगा। ये देखिए, यह कोई ऐश्वर्य ज्ञान नहीं, ना गौरव है ना संभ्रम है, इसलिए यह खेल, यह लीला, यह की लीला इतनी रसीली है, और यह खेल खेल के वे भी मस्त है और श्री कृष्ण भी आनंद रस में झूम रहे हैं। ऐसी अनोखी क्रीड़ा लीला वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर और अन्य कई धाम में है ही नहीं कहीं। यह नरभाव भी है, ऐशी भाव भी है, ऐश्वर्य भी है, माधुर्य में भी है, परंतु विरोध में नहीं, आपस में। क्यों? ऐश्वर्य नहीं आए तो लीला तो प्राकृत हो जाएगा, परंतु ऐश्वर्य माधुर्य को नहीं ढक रहा है, बल्कि माधुर्य का पदतल में ऐश्वर्य विराजमान है। सब कुछ देखते सुनते, गर्गाचार्य आदि का मुख से सुनते भी है ब्रजवासी, लेकिन मानते नहीं। देखी ले सुनी ले ना माने, यह केवलार रीति, कृष्ण रे ईश्वर नहीं जाने ब्रज जाने। ये ईश्वर नहीं है, ये नंदनंदन है, ये राधा रमन है, ये बलदाव का छोटा भैया है, श्री राधा रमना रमणी मन मोहना वृंदावन वन देवा। वृंदावन का दिव्य देव है, अप्राकृत नवीनवदन नवकंदर्प देव, इसलिए कहा जाता है राधा गोपीनाथ देव, गोविंद देव, मदन मोहन देव, दामोदर देव। अभिनव राश रसिक वर नागर नागरी गणकृत सेवा, ब्रजपति दंपति हृदय आनंदन नंदन नवघन श्याम, नंदीश्वर पुर पुरट पटांबर रामानुज गुण धाम, श्रीदाम सुदाम सुबल सख सुंदर, चंद्रक चारु अवतंश कालिय दमन गमन जिति कुंजर कुंजर चितर तिरंग, गोविंद दास हृदय मणि मंदिरे अविचल मूर्ति त्रिभंग। ये है माधुर्य रस, ये दिव्य लीला। तो भवज्जन कथा श्रवण का अर्थ है, भवज्जन कथा श्रवण का अर्थ है ब्रजवासियों की ये जो लीला कथा, ब्रजवासियों का साथ, ब्रजवासी का साथ श्री कृष्ण की जो लीला हो रही है, ब्रजजन की साथ, माता पिता का साथ, सखाओं का साथ, ब्रजांगनाओं का साथ, श्री वृषभानुनंदिनी का साथ जो लीला हो रही है, वो लीला श्रवण से जो आनंद है, वो आनंद प्रभु मुझे दीजिए। और वह लीला चिंतन का जो आनंद है, लीला चिंतन का आनंद दीजिए और लीला श्रवण का आनंद दीजिए, इससे बढ़कर और कोई आनंद संसार में है ही नहीं। ये वृंदावन रस, तो ध्रुव जी की स्तुति में वृंदावन रस कहां से आ गया? बोले महाप्रभु जी ले रहे हैं वहां से वृंदावन रस। ध्रुव चरित्र और प्रह्लाद
चरित्र से महाप्रभु जी अपना भावानुरूप, अपना अनुरागानुरूप हमारा जो इष्ट है, हमारी जो साधना है, हमारा जो रागानुगा, जो हमारी रागानुगा भक्ति है, तो हम कहीं से भी भागवत जी हो या गीता जी हो या किसी भी शास्त्र हो, वहां से तो हमारी जो उपासना, वो उपासना ही तो लेनी पड़ेगी। हमारी जो उपासना पद्धति है, रागानुगा भक्ति है, वो भक्ति का ही तो भाव लेना पड़ेगा ध्रुव जी का वचन से, प्रह्लाद जी का वचन से, अम्बरीश जी का वचन से। महाप्रभु जी वही ले रहे हैं। भवत जन कथा श्रवणी नवास्या, तो इसीलिए भगवान की लीला का ध्यान, भगवान का ध्यान और भगवान की ये जो वृंदावन लीला, इस लीला का श्रवण रसिकों के मुखार वृंद से। कृष्ण जति का खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुतहर स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। ये जो नव किशोर नटवर स्वरूप हमारा आराध्य है, दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थ, ये राजविहारी श्री कृष्ण का उपासना। और ये जो ध्यान तवपाद पद्म ध्यानात्, ये स्मरणांग श्रवणांग लीला कथा, ब्रज लीला, निकुंज लीला, श्री राधा रानी का साथ श्री कृष्ण की जो लीला, ये लीला श्रवण सर्वोपरि। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधासुर एतयो रेव किंकरा, कभी भूलना नहीं, भूलने से संसार, सतत याद रखना है, लीला चिंतन, हरि नाम करना है। अमानी मानद सदा कृष्ण नाम लवे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिए, लीला चिंतन, सेवा चिंतन, स्मरण, धारणा, ध्यान, लीला ध्यान, रूप ध्यान, गुण ध्यान, सेवा ध्यान। वो प्रतिष्ठानपुर का जो ब्राह्मण है, प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण का जो ध्यान, सेवा चिंतन, ध्यान, धारणा, स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति। रति आने से ध्रुवानुस्मृति, सिद्ध बाबाओं की ध्रुवानुस्मृति, ध्रुवास्मृते सर्वग्रंथी नाम विप्रमख अविस्मृति। तो ध्रुवानुस्मृति स्तर में जाना पड़ेगा, ध्रुवानुस्मृति। विषयान ध्यातश्चित्तं विषयेषु विसज्यते और माम अनुस्मरतश्चित्तं मयैव प्रबिलीयते। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 14वां अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान विषय का ध्यान करने से मन चित्त विषय में आकृष्ट होता है और भगवान का ध्यान करने से मन चित्त भगवान में आकृष्ट होता है। तो आप बताइए, विषय का ध्यान करूं ना भगवान का ध्यान करूं? अभ्यास एक दिन में तो होता नहीं, बार बार। इसीलिए भगवान साधन रूप से कहते, अभ्यास न तो कंतेय वैराग्ये न च गृह्यते, मन तो बायोर एव शु दुष्करम। मदगुण देखिए, ये ध्रुवानुस्मृति, मदगुण श्रुति मात्रेन मई सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब संबुधौ लखनं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य जुधारितम अहितुक्य प्रतिहताय
या भक्ति पुरुषोत्तम ही। कपिल देवहूति संवाद तीसरा स्कंद 29वां अध्याय 11 एवं 12वां श्लोक है। ये गंगा धारा जैसे अविरल बह रही है, इसी प्रकार भगवान की ओर चित्त वृत्ति का प्रवाहन गति। तो विषयी जीवों का विषय रूपी नाला में मन, विषयों का मन किस प्रकार है, जैसे नाला, नाला में पानी जम गया, वह कीड़ा है, बदबू आ रहा है, परंतु बारिश होने से क्या होगा, जल से भर जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, कीड़ा भी चला जाएगा। तो हरि कथा का बारिश अगर हुआ, हरि कथा की वर्षा हुई, बादल हुआ, तो हमारा मन जैसा वह कीड़ा है, नाला, कीच, प्रवाह नहीं है, वह पानी जम गया, शर गया, बदबू आ रहा है, लेकिन हरि कथा रूपी स्वच्छ पानी चित्त में, मन में प्रवेश हुआ तो स्वच्छ हो जाएगा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भक्तानाम भाव सरोरुहम धुनति श्वमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। और स्वच्छ हो गया जल, जल भर गया, मन चित्त भर गया अनुराग से, अब प्रवाह बहुत, बारिश हो रही है, बदल बदल गरज रहा है, तो देखिए वो नाला का पानी भरकर बाहर आ गया और बड़ा नाला में गिरा, वहां से नहर में चला गया, नहर से नदी, नदी से सागर की ओर, श्री कृष्ण है सागर। तो इसीलिए अजस्र हरि कथा अगर कान से हृदय में आ गई तो स्फीत हो गया, कामना वासना रूपी जितना बीज था वो भी चला गया, दुर्वासना रूपी कीड़ा भी भग गया, कीज भी, जो संस्कार दुराग्रह का जो कीच था वो भी चला गया, बदबू भी नहीं है, अहंकार अभिमान है, बदबू, घमंडीपन कुछ नहीं है, अब मन शुद्ध हो गया और साधु संग, साधु संग है नहर और भक्ति महारानी है गंगा जी और श्री कृष्ण चरण है सागर। तो कहा नाला का पानी, देखिए नाला का पानी सागर में चला गया स्वच्छ होके। बरसात में ये शहर का जो नाला का पानी, ये नाला का पानी जो सड़ा हुआ है, बदबू है, जिसमें कीड़ा है, वो पानी भी अधिक आकाश से पानी गिर रहा है, उस पानी से वे क्या ना सागर तक पहुंच जाता है वह पानी। भक्ति मंदाकिनी होके भागवत जी सुनने से क्या होगा, ये जो हमारा मृत्यु भय, ये भय भी चला जाएगा। आयुर हरति वैपुंसांग उद्दन्नस्तंच जन्नशौ तस्यार्तिजत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। अगर एक क्षण काल भी भागवत जी का कथा का श्रवण हुआ तो मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि मृत्यु ही भग जाएगा। मर्तम मृत्यु बैल भीत पलायन लोकान, ये मृत्यु रूपी सर्फ डसने के लिए, ये सर्फ खाने के लिए, मृत्यु रूपी सर्फ सबका पीछे है। डर है, सब भाग रहा है संसार, परंतु जिन्होंने क्षण भर समय के लिए भी भागवत जी का कथा श्रवण किया,
तो उनका मृत्यु नहीं है, वो अमर हो जाएगा। परीक्षित जी अमर हो गया। जो जो संत महापुरुष भागवत जी का कथा श्रवण किया, गायन किया, कीर्तन किया, वे सब के सब अमर हो गए, भगवत धाम चले गए। यद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। बस इसलिए या निर्वृति स्तनुवृदांग तव पाद पद्म धैनाद भवत जन कथा श्रवणी नवास्यात सा ब्रह्मणी स्वमहिमनी। ब्रह्म है आपकी महिमा, आप ब्रह्म का भी प्रतिष्ठापक। मयिनाथ माभूत किन तंत काशी ललितात पतताम विमान। जय जय श्री राधे, सबको दंडवत प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज अप्रैल का पहला दिन है, सबको शुभाकांक्षा। स्वस्थ रहे, खुश रहे, ये प्रभु जहाँ रखे, जिस परिस्थिति में रखे, उसमें ही संतोष बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्तिरस्तु, शिवम शिवम कल्याणम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे नितायी गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल।